होली का त्यौहार जो है हरियाणा के अंदर भी बड़ी धूमोधाम से मनाया जाता है। हरियाणवी स्टाइल के अंदर इसको बोला जाता है कि कोरड़े मारना, कोरड़े मारकर यानी कि देवर भाभी का जो प्यार होता है वो होली के दिन स्पेशल तौर पे दिखाई देता है। और कोरड़े जो हैं ये कपड़े का जो इन्होंने बना के मार रहे हैं ये कपड़े का होता है जो अपने देवर को अपने जेठ किसी को भी मारा जाता है। इसके पीछे क्या है कारण हम जानना चाह रहे हैं। आंटी जी यो कोरड़े मारने का रिवाज कहाँ से शुरू होया कुछ बता सकते हो हमारे दर्शकों ने? यो हरियाणा में होया है यो त्यौहार का हमारा। तो इसमें क्यों मारते हैं ये? यू मारा हाथ देवर भाभी का खेल लड़का वो है, हम प्यार से खेल रहे हैं, हमारा होली फाग का त्यौहार है। मारते क्यों है ये? यो किसके साथ है? अपने देवर के साथ। देवर देवर के साथ। तो आज आपने यहाँ आंदोलन में आके खेला कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ रहते कुटुंबा सारा हम यहाँ खेलने आगे, इसलिए पहली बार आपने इस तरीके से खेला है। हाँ, और गांव में खेला करते सारी बार के ना हमारे हरियाणा के यहाँ पंजाबी भाइयों के साथ खेला है, खेला है। तो ये आपने देखा किस तरीके से आंदोलन के अंदर जो है, आंदोलन के अंदर आज जो है कोरड़े यानी कि होली का जो त्यौहार है कोरड़े मारकर अक्सर जो है अपने देवरों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ गली में खेला जाता है। आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा की ये जो ट्रॉली है ये भरकर यहाँ पर आई है। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉली के अंदर पूरी हरियाणा की माताएं बहनें जो हैं ये देखिए किस तरीके से पिटाई जो है वो यहाँ की, हालांकि ये मजाक है इसको सीरियस लेने के लिए नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है सिंगू बॉर्डर पे ये देखिए जो नज़ारा आपको देखने को मिला है वो अलग ही है। ये देखिए किस तरीके से बैठे हुए लोगों को भी मारा जाता है, हालांकि ये सब कुछ जो भी है वो मजाक के अंदर किया जाता है, इसको सीरियस नहीं ले सकते। ये एक त्यौहार की एक प्रथा है, त्यौहार का एक चलन है, त्यौहार की एक मान्यता है। खूब लोग जो हैं सिंगू बॉर्डर पे होली का जश्न मना रहे हैं। तो ये नज़ारा आपने देखा दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से, जहाँ पर आज किसान भाइयों ने, हरियाणा के भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने होली का त्यौहार पूरे जश्न और उल्लास के साया। ऐसी और भी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए HR71।